नमस्कार प्रणाम। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे मैं हूँ आरजे वरखौर। ये गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, जी हटाओ ना। सुपर स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम सी जो पर्सनालिटी हमारे सामने है, रिपु दामन हांडा जी। कुकिंग के मामले में नंबर वन, एक्टिंग के मामले में नंबर वन, डांसिंग के मामले में नंबर वन, फेल होने के मामले में नंबर वन, कम नंबर लाने के मामले में नंबर वन। अच्छी बातें बताओ। नहीं, बहुत सारी अच्छी, जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए चूंकि हमने एक्चुअली रिपु हमने कराए हैं, नो प्रेशर प्लीज। सो बच्चे लोग ना अभी एग्जामिनेशन का टाइम है, सो बहुत प्रेशर में, एग्जाम खराब चला गया तो इसके टेंशन में कल का एग्जाम खराब कर देते हैं। कल का एग्जाम अच्छा नहीं जाए, क्या होगा नहीं होगा, इसके चक्कर में आज का दिन खराब कर लेते हैं। सो प्रेशर कम करने के लिए रिपु हमारे साथ है, और बहुत ही अच्छे बच्चे रहे अपने स्कूल टाइम में। मैम इतनी शिकायत करती थी इनकी मम्मा से कि इनकी मम्मा बेहोश हो गई थी, मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ, तो वो वाली कहानी। देखो क्या होता है कि प्रेशर डेफिनेटली एग्जाम्स का प्रेशर होता है आपको। मेरा एक फॉर्मूला था कि जब, आज भी मैं वही यूज करता हूँ फॉर्मूला, मैं जब भी प्रेशर में होता हूँ आई ईट फूड, आई ईट डार्क चॉकलेट। ठीक है, एग्जाम आपने कर दिया, काम खत्म, उसके बाद एंजॉय द मोमेंट। सही बात है, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे वो बुरा हुआ, आप उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, एंड देन उसके बाद रिजल्ट की टेंशन नहीं। और वो वाली स्टोरी बताओ ना, पूरा कॉपी लिख के आए हो भाभी, एकदम सुबह में से सो आ जाएगा भाभी। मेरा ना बचपन से एक तरीका होता था, बचपन से मैं एक्टर था एक तरह से बोल सकते हो। मेरे से कोई भी पूछता था एग्जाम का समय, बताओ एकदम मस्त, एकदम मस्त। अच्छा, घर में वो समझते नहीं थे ये मस्त क्या है, ये मस्त ये था, वो समझते एकदम मस्त। एंड द मोमेंट मेरी भाभी आपको अच्छी स्कोर थी, तो जब रिजल्ट आया तो मार्क्स आए 33 या फेल या ऐसा आया, जब पूरी कॉपी लिखा बेटा तो 33 नंबर कैसे आए। एंड भाभी कहते भाई तू तो मुझे बोल रहा था तेरा पेपर एकदम मस्त हुआ, एकदम मस्त हुई, मस्त कौन सा था। एंड आई वॉज लाइक भाभी मैंने अपने दिल से मस्त किया था। देन उन्होंने बोला कि चलो तुम देख कॉपी निकालते, जब कॉपी बाहर आई एग्जाम की तो उन्होंने देखा पहले पेज में अच्छे आंसर लिखे, फिर आंसर अच्छे निकले, लास्ट की तीन चार शीट्स में मैंने स्टोरीज लिखी हुई थी मूवीज की। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि एग्जाम में कभी शीट खाली नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि टीचर्स फेल कर देते हैं, क्योंकि जब शीट वेस्ट होती है ना उसका मतलब टीचर वेस्ट फेल कर देते हैं आपको। ओके ओके, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, तब तो फिल्म की स्टोरी लिखनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरी एक दीदी है आशा दी, वो हनुमान चालीसा लिख के आ गई थी यहां से शीट। एक बहुत बड़ा इनफेक्ट था, मेरा नेफ्यू, मेरा भतीजा जो है वो भी बहुत अच्छा, डेफिनेटली भैया और भाभी भी गया है, बहुत पढ़ाकू है। तो मैं कुछ टाइम पहले मैं अपने घर दिल्ली वापस गया तो मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आए वो, एंड वो गाड़ी में पीछे बहुत उदास बैठा हुआ था। एंड मैंने बोला क्या हुआ भाभी, कहते देख पढ़ता नहीं है ये, बिल्कुल इसके मार्क्स कम आए हैं, देखते जैसा बिल्कुल मार्क्स कम लेके आया है। तो मैं भी बींग अब तो थोड़ा मैच्योर हो गया, मगर तनिष नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते वो नहीं करते, मैं उसको पूरे रास्ते दे रहा हूँ, उसके आंसू टप 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 कर जा रहे हैं। तो मैं चल कोई बात नहीं भाभी, अब रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेगा। तो मैंने वैसे भाई मार्क्स कितने हैं, ये 27 मैं कितने में से 30 में से, मैं कहा भाभी मेरे से पास करा दिया आपने, मेरे वो हंसने लग गया, मतलब 30 में से 27 मार्क्स लेके आया मेरे से पास करवा रहे हो। जो इंसान 30 में से 7 मार्क्स लेके आता था उसको उसको डांट पड़वा रहे मुझसे, 27 लेके आया बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। एंड ऐसे होना चाहिए लाइफ में, आपके जो फिगर है मार्क्स, ठीक है वो एक फिगर ही है, वो आगे बढ़ेंगे भी, नंबर तक ही रहने दो, वो आगे बढ़ेंगे भी आगे कम भी होंगे। सही बात है। और रिपु से एक लाइफ से एक चीज हमने सीखा कि भले एक बोर्ड में या 7, 8, 9, 10 में आपके कम नंबर आए, लेकिन वो आपकी तरक्की को कभी बाउंड्री में ब्लॉक नहीं कर सकता, कि आप तो भाई 25 नंबर लाया तुम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। अगर आपने भागना है, आपने अगर कहीं 100 मीटर की रेस लगानी है, उसके बीच में पत्थर आएंगे, उसके बीच में गड्ढा आएगा, आप फिर भागोगे ना। सही बात है। आप रोड पे जाते हो, आपको पता है वो रोड खराब है, आपको पता है उस रोड पे आप जाएंगे तो बहुत सारे बम्स आएंगे, गाड़ी हिलेगी, कमर में दर्द होगा, लेकिन फिर भी आप उस रोड से जाते हो। तो जस्ट लाइफ भी ऐसी है कि आप चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड द नंबर इज जस्ट अ फिगर। नो प्रेशर प्लीज, नो प्रेशर, थैंक यू।